महाराष्ट्र के अनुसूचित जनजाति के 100 विद्यार्थी अब प्राइवेट संस्थाओं से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकेंगे। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री एडवोकेट केसी पाड़वी ने आज इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नागरी सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए नामचीन प्राइवेट संस्थाओं से प्रशिक्षण का अवसर दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक सभी चरणों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार ने यह नई योजना लागू की। विद्यार्थियों का चयन आवेदन के बाद होगा। दिल्ली के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को 12,000 की छात्रवृत्ति, किताबों के लिए 14,000 की रकम और आने जाने का किराया मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र के संस्थानों में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 8,000 की मासिक स्कॉलरशिप मिलेगी। मंत्री ने इसका लाभ उठाने का आह्वान किया है।